कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन गए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दल ने जमीनी कार्य पूरा कर लिया है। WHO प्रमुख ट्रेडोस एडहोम ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चीन गए दल ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति जानने के लिए जमीनी कार्य पूरा कर लिया है। अब संक्रमण के शुरुआती मामलों में वायरस की संभावित उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वुहान में अध्ययन शुरू किया जाएगा। WHO के प्रतिनिधि मंडल में एक महामारी विशेषज्ञ और एक पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। चीनी अधिकारी जांच दल के कार्यों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। WHO प्रमुख के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक जाँच दल के सदस्यों का सहयोग करेंगे और संयुक्त रूप से ये पता लगाया जाएगा कि आखिर वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, वायरस जानवरों से मनुष्यों में कैसे फैला और क्या जानवर कोविड के वाहक बन सकते हैं। हालांकि WHO प्रतिनिधि मंडल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का दौरा नहीं करेगा जहां से कथित तौर पर वायरस उत्पन्न हुआ था। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की टीम को क्या चीन में कुछ हासिल होगा। फिलहाल इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जांच दल के वहां पहुंचने से पहले ऐसी खबरें जरूर सामने आई थी कि चीन ने कोरोना से जुड़े सभी सबूतों को मिटा दिया है। ये भी कहा गया था कि वुहान में बाढ़ चीन की इसी साजिश का हिस्सा भी था। गौरतलब है कि अमेरिका शुरुआत से ही कोरोना महामारी के लिए चीन को दोषी ठहराता आ रहा है। उसका ये भी आरोप है कि WHO ने चीन के इशारे पर काम किया जिसकी वजह से दुनिया को वक्त रहते वायरस का पता नहीं चल सका। हालांकि चीन और WHO इस आरोप को नकारते आए हैं।